Welcome to my YouTube channel, and this is my new channel Rickstar. This is my new name of my channel Rickstar. So आज मैं बनाने वाली हूँ हमारा जो है वो क्राफ्ट ब्रेसलेट, जो शायद आप सभी लोगों को पसंद आए क्राफ्ट के तौर पर. इस तरह के रिंग्स से हम बनाने वाले हैं क्राफ्ट ब्रेसलेट. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को कि किस तरह हम इस तरह के रिंग ब्रेसलेट्स बनाने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को. तो मैंने जो ये बनाया है, ये जो रिंग है, ये रिंग मैंने बनाया है कलर पेपर से, इस तरह के कलर पेपर से बनाया है. और इसे मैंने इस तरह से काट दिया है और इसे मैंने यहाँ से कट कर दिया है, यहाँ से कट कर दिया है. तो ये एक रिंग बन सकता है और ये एक रिंग. तो चलिए कैसे बनाते हैं इस रिंग को देखते हैं. कट कर लिया है, देख सकते हैं आप इस तरह से छोटे पीस में. और इससे हम बनाने वाले हैं वो रिंग जो मैंने आपको अभी दिखाई. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट तो हम कर चुके हैं और अब सीखेंगे हम इस तरह के रिंग्स बनाना. आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के रिंग्स बना रहे हैं हम इस पेपर से. तो पहले जो है पेपर को इस तरह से मोड़ना होता है. और इस तरह से मोड़ने से पहले आप इधर ग्लू इस तरह से मोड़िए. देखिए ये मैंने जो रिंग इस तरह से इसमें किए हैं, इस तरह के रिंग्स आप आराम से बना सकते हैं और ये आपके क्राफ्ट के लिए बिल्कुल सही हो सकता है. ऐसे रिंग आप पहले बनाएं और उसके बाद ये रिंग के साथ ये सूट कर रहा है या नहीं देखें. और इसके अंदर आपको इसे घुसाना है. देखिए घुसा दिया है आपने. और इस तरह से आपको यहीं से ही इसके रिंग बनाना है. तो यहीं से ही आपको रिंग बनाने में थोड़ी तकलीफ होगी लगता है, बट आपको यहाँ पर जो है ग्लू दे के इसे चिपकाना है. तो चलिए हम देखते हैं कि इसे ग्लू देखते हैं. यहाँ पे ग्लू देकर हम इस तरह से इसे कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह के सर्कल में. आप अलग कलर भी, मतलब आप अलग कलर पेपर भी दे सकते हैं और बना सकते हैं इस तरह के रिंग. तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरह ग्लू से चिपका दिया है. और हम अब इस तरह से और भी बनाएंगे, लेकिन इस कलर पर और नहीं बनाएंगे. हम बनाने वाले हैं रेड कलर पेपर से. और ज़्यादातर कलर पेपर्स जो मेरे पास हैं आप सभी देख ही सकते हैं, यहाँ पे पिंक है और ग्रीन है, हम उसमें बनाने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में. देखिए यहीं पे आप रिंग देख सकते हैं. इसे हम पहले क्राफ्ट ब्रेसलेट में जैसे हम बना रहे हैं इस तरह से इस तरह के पीसेस में हम इन्हें कट करने वाले हैं. इनके साइड में आप इस तरह से कट कर सकते हैं, आराम से इस तरह से बना सकते हैं और उसे मोड़ के आप इस तरह के रिंग्स बना सकते हैं. और रिंग्स में आटा देना, मतलब ग्लू देना ना भूलें, क्योंकि ग्लू अगर आप नहीं देंगे इस तरह के रिंग्स बनने में थोड़ी तकलीफ़ होगी, क्योंकि ग्लू ही इसमें काम आ सकता है. आप चाहे तो फेविकोल दे सकते हैं, मैं फेविगम दे रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो अब मैं बना रही हूँ रेड कलर से काट कर. तो देखते हैं रेड कलर से काट कर कैसे लगेगा. ये मैंने यहाँ पे ले लिया है और इस पर मैं ग्लू डाल रही हूँ. देखिए कुछ इस तरह से आपको ग्लू डालना है. ग्लू तो आपने डाल ही दिया है, अब आपको इस तरह से इसे पेस्ट करना है. आप चाहें तो ब्रश या फिर ब्लश जो आपके पास है आप उसे भी पेस्ट कर सकते हैं, हाथ से करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और आप इसे इस तरह से इसमें रोल करके मोड़िए. तो देखिए इस तरह के रिंग से आप इसमें भी बना सकते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे तीन रिंग्स बना लिया है. अब हम बाकी रिंग्स बिल्कुल इस तरह बनाएंगे. मैंने आपको किस तरह काटना है, किस तरह बनाना है भी बोल दिया है. आप उस तरह काट के इस तरह के रिंग्स और मोड़ के फोल्ड करके उसे इस तरह के रिंग्स बना सकते हैं. मैंने यहाँ पे पिंक से बना लिया है, रेड से और येलो से बना लिया है. अब बारी है ग्रीन की. अब हम ग्रीन को कट करके इस तरह के रिंग बनाने वाले हैं. और रिंग मैंने कितनी आसानी से बना लिया ये सब आपने देखा ही. और इस तरह से आप भी अच्छी तरह रिंग्स बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया.
देखिए मैंने ये अच्छी तरह बना दिया है, बट यहाँ पे आपको जो है धूप को पेस्ट करना है। अभी मैं कर लेती हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबा बन गया है और इसको आप इस तरह मोड़ सकते हैं। फोल्ड करने के बाद आपके हाथ के साइज़ के साथ ये आता है या नहीं ये आप पहले चेक करें। अगर नहीं आ रहा है तो आप और बड़ा कर सकते हैं और कुछ कलर्स डाल सकते हैं, जैसे कि येलो, ग्रीन, रेड। जितने कलर्स आपने इस रिंग्स में डाले हैं आप उतने ही कलर पेपर्स और फोल्ड करके इसके और बड़े साइजेस बनाकर अपने हाथ के साथ पहन सकते हैं। तो चलिए मैं और बड़े साइजेस के साथ आपको बताती हूँ। सो गाइज, इतने में तो मेरे हाथ में आ ही जाएगा, बल्कि थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आप अपने हाथ के साइज़ के हिसाब से इस तरह के ब्रेसलेट्स बना सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है गाइज कि आप कैसे बनाएं ब्रेसलेट को। काफ़ी अच्छा बना है और मैं इसे पहन के ही आपको बताती हूँ वीडियो पे। देखिए गाइज ये काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी ब्यूटीफुल भी लगेगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे और एक रिंग बना दी, क्योंकि इस तरह से इसे ज्वाइन करना था ना, इसलिए मुझे एक रिंग बनानी पड़ी। देखिए गाइज थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा इसे सेट कर लेंगे बाद में। आप अपने हाथ के साइजेस के हिसाब से बनाइए और इस तरह से ही घर पे रहिए, घर पे सेफ रहिए और इस तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। बाय डियर गाइस, हैव अ गुड डे।